अस्सलामुअलैकुम कोला, क्या नाम है और कहाँ से फोन कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुह। जी आप लोग का प्रोग्राम वॉच करने से बहुत मजा आता है, दीनी मालूमात जो है ना बढ़ जाते। अल्लाह आप लोग को जजाए खैर दे, अल्लाह आपकी जो है ना इल्म में जो है ना बरकत दे। आमीन। मेरा सवाल ये था कि इस दरमियान में जो है लोग हॉलीडेज के लिए इधर से उधर जो है ना मुल्कों का सफर करते, जब आप फ्लाइट में अगर नमाज पढ़े इसके बाद आप अपने घर वापस जहाँ डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद, क्या उसको नमाज कजा करना है, यानी वही नमाज जो है हमारी वैलिड हो जाती है? शेख साहब, पहले तो हम ये सफ़र की बात करते हैं। सफ़र की बात है ना, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए कि बहुत से लोग अभी हॉलिडे हैं तो वो सफ़र के अंदर जाएंगे और एरोप्लेन में जाएंगे, तो एरोप्लेन के अंदर आपको नमाज नहीं छोड़नी है। पहली बात तो ये, इसलिए कि नमाज मैंने पहले भी बताया है, इन सलात कानत अल मुमिनीन किताब मौकूता, नमाज अपने वक्त के अंदर अदा करें। दूसरी बात ये कि बाज़ एरोप्लेन के अंदर आप खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं, वज़ू भी करना है, वज़ू के बगैर नमाज नहीं हो सकती, और आपको खड़े होकर नमाज पढ़ना है। अगर खड़े होकर आपने नमाज पढ़ ली दो रकात जो सफ़र की है या तीन रकात फ़र्ज़ है मगरिब की, तो फिर आपकी नमाज हो गई। और अगर आपने बैठ कर पढ़ी है तो बाज़ उलमा कहते हैं कि चूँकि आपने बैठ कर नमाज पढ़ी तो आप इसको वापस दोहराएंगे जब आप अपने मकान के ऊपर पहुंच जाए, यानी आप जहां भी जा रहे हैं उसको वापस दोहरा दें, इसलिए कि आपने बैठ कर नमाज पढ़ी और आपको नमाज पढ़नी थी खड़े होकर। तो बाज़ उलमा ये कहते हैं, बाज़ उलमा कहते हैं कि नहीं आपकी नमाज़ हो जाएगी, लेकिन बाज़ उलमा कहते हैं कि चूँकि आपने बैठ कर नमाज़ पढ़ी और खड़े होकर नमाज़ पढ़नी थी, तो आप जब घर पहुँचे या मकान के ऊपर पहुँचे या जहाँ हॉलीडे के लिए जा रहे हैं वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पे आप खड़े होकर नमाज़ पढ़ ले, वापस दोहरा दें।